Hello friends, you welcome back in Sangam lecture. So friend, today I am going to solve a very reasoning question, that is prove that 1 equal to. In this question we have to prove 1 equal to. So how it is possible, you have to know it. So चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे. बहुत ही सिंपल है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको करने में. तो इसको क्या करना है, सिद्ध करना है कि 1 equal to. 1 equal to तो होता नहीं है, क्वेश्चन है. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे. इसमें मैथमेटिक्स का क्या यूज है, इसमें हम लोग मैथमेटिक्स का यूज रोल क्या है, इसमें इसको कैसे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स, उसी को हम लोग देखेंगे. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रिएक्शन कंसिडर करेंगे. लेट ए इक्वल बी, क्या हमने मान लिया, ए इक्वल बी मान लिया हमने, ए बराबर बी. ये क्या वेरिएबल ए और बी क्या है, वेरिएबल है. और हम लोग क्या मान लिया इसको, ए बराबर बी मान लिया. अब इसमें हम लोग एक ठो लगाएंगे ऑपरेशन. इसमें ऑपरेशन क्या लगेगा, जब हम दोनों पक्ष में तब बोथ साइड हम ए से अगर इक्वल गुणा कर देंगे, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, मीन्स ये रिएक्शन चेंज नहीं होगी. चलिए देखते हैं. तो हम अगर इसमें गुणा करते हैं, ए में गुणा करेंगे तो बनाएगा ए स्क्वायर, अगर इसमें बी में गुणा कर देते हैं तो ये बनाएगा ए बी. ये होगा होगा. अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ए से गुणा हुआ, दोनों पक्ष में हुआ, एक पक्ष में नहीं हुआ, दोनों पक्ष में हुआ है. अब क्या हुआ, ए स्क्वायर हो गया, ए बी हो गया. अब इसमें क्या करेंगे हम, बी स्क्वायर, ये जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर दोनों के पक्षों में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. मीन्स बी स्क्वायर दोनों पक्षों में लोग घटाएंगे, तब भी रिएक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. क्यों नहीं पड़ेगा, देखिए कैसे, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैंने घटाया, इक्वल ए बी माइनस बी स्क्वायर. ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस बी स्क्वायर. यह क्या है, वही चीज है. इसमें कोई हम लिखे a बराबर b ही लिखा हुआ है, a बराबर b ही लिखा हुआ है, लेकिन क्या है कि इसमें हम लोग कुछ संक्रियाएं, मतलब अच्छा, कुछ रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस कर रहे हैं हम लोग इसमें. तो ये क्या है कि इसका जो नंबर ऑफ पार्ट है बढ़ता चला जा रहा है. अब इसमें देखिए क्या होगा, अब इसका हम लोग, आप लोगों को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला है, क्लास सेवेंथ का, क्लास सिक्स सेवेंथ का फॉर्मूला है, आपका पता होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर यू गाइस. एंड इसको क्या, इसको क्या करेंगे, इसमें हम लोग कॉमन लेंगे. कॉमन क्या दिखता है, अगर दो पक्ष हैं तो दो पक्ष में से कॉमन लेना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों में जिसको हम लोग कॉमन लेंगे दोनों पक्षों में होना चाहिए. अगर तीन तो है, तीन टर्म्स है, तो अगर तीन में अगर कॉमन लें तो तीनों टर्म्स में जो जो हम लोग कॉमन ले रहे हैं वो होना चाहिए. तो हम यहाँ पे क्या, कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, इसमें कॉमन क्या लेंगे जो दोनों में होगा, दोनों में क्या है, बी है, यहाँ पे भी बी है, दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, बी कॉमन ले लिए, बचा क्या, ए बचा यहाँ पे, तो ए बचा यहाँ पे, क्या बचा, माइनस बी बचा, सिंपल है. अब क्या देखिए, दोनों कोई चीज मैच कर रहा है, यहाँ पे देखिए a माइनस बी, a माइनस बी, सो दैट विल बी कैंसल्ड आउट, क्योंकि बोथ साइड है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट. आगे क्या होगा, जो बचा उसको लिख दीजिए, a प्लस बी इक्वल बी, क्योंकि गाइस हमको पता है यहाँ पे कि a बराबर बी मैंने माना है, तो मैंने या तो a का, अब a बराबर माना है तो मैंने जो a की वैल्यू है मैं b लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया b प्लस बी इक्वल बी. अब इसको मैं क्या लिख दूंगा, ये हो गया 2b इक्वल b. अब ये क्या हो गया, b से b कैंसिल, क्योंकि दोनों साइड है, मल्टीप्लाई है, दैट विल बी कैंसिल आउट. अब यहां से क्या मिला, यहां पे 2 मिला, ये 1 बार में कैंसिल हो गया है, यहाँ पे 1 मिला, इट मींस 1 इक्वल टू, दैट इज प्रूव्ड. सो गाइस, ये आपको वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और संगम लिखित को सब्सक्राइब कीजिए.
थैंक यू फॉर वॉचिंग।